सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी, बताइए सर। सर क्लास 12 का रिजल्ट कब आएगा? सर वही क्या लास्ट तक आएगा, डेट कंफर्म नहीं है सर। क्या नाम है आपका? समय गौरव। गौरव जी, डेट कंफर्म नहीं है। कहाँ से बोल रहे हैं? राजस्थान। राजस्थान सिटी? श्री गंगानगर जी। सर मई के 28-29 के आसपास आएगा प्रोजेक्ट। 28-29 तक? हाँ जी। क्लास 10th वालों को तब 30? हाँ जी, पहले 12th का आएगा फिर 10th का आएगा सर। 31 तक फोन होगा, रिजल्ट आ जाएंगे सर। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों, मैं नरेंद्र व्यास, आपके और हमारे चैनल जीपी एडवाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का रिजल्ट कब आएगा, ये क्वेश्चन आप सभी के मन में जरूर होगा और सभी को बहुत ज़्यादा टेंशन भी होगी और सभी को एक्साइटमेंट भी होगी कब रिजल्ट आने वाला है। इसलिए आप सभी यूट्यूब पर सर्च करते हो वीडियो की कब आएगा बोर्ड का रिजल्ट। दोस्तों, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी जिसके अंदर बताया होगा कि आज रिजल्ट है, 25 को रिजल्ट है, 24 को रिजल्ट, कई तो बोलेंगे कि अभी आने वाला रिजल्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट कब आने वाला। कई सारे बच्चों ने मेरे को कॉल किया और मैं सभी कॉल अटेंड भी करी और सभी को मैंने एक रिप्लाई दिया, अब तक डेट फिक्स नहीं है। और मैंने इसलिए इतनी लेट ये वीडियो बनाई क्योंकि मेरे एक ही कारण, क्योंकि दोस्तों मैं दूसरों की तरह ना, मेरा काम फेक न्यूज़ देना है, क्योंकि मैंने एक ही बात मैंने सोचता हूँ मैं हमेशा कि अगर मैंने फेक न्यूज़ दी तो एक बार तो मेरे चैनल पे व्यू आ जाएगा लेकिन वापस व्यू नहीं आएगी, कोई मेरी वापस वीडियो देखेगा, क्योंकि मेरा इसलिए मैं सभी को रियल न्यूज़ देता हूँ क्योंकि मेरे को अपना चैनल ग्रो भी करना है और दूसरों की हेल्प भी करना है। इसलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर 31 मई से पहले हो जाएगा। अगर आपका 31 मई को रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता तो आप समझ लो जून की फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट आएगा, उससे पहले नहीं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड का कहना है कि इस बार 31 मई को से पहले रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए दोस्तों आप क्लास 10 से लो, 10 से मतलब रिजल्ट बहुत बेटर है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का रिजल्ट देख लो दोस्तों, 28 मई से पहले का कह रहे हैं सीबीएसई वाले। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, कोई डेट फिक्स नहीं है। आपका कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है और 28 मई को दिन में भी आ सकता है। इसलिए दोस्तों कोई भी डेट फिक्स नहीं है, सीबीएसई ने कोई डेट अब तक फिक्स भी नहीं किया। 29 मई को भी आ सकता है, जो सीबीएसई ने अभी तक न्यूज़ दी है कि 28 मई से पहले आ सकता है, डिक्लेयर होने की यही डेट अभी तक आई है। दोस्तों अब सबके मन में ये रिजल्ट आएगा कैसा, तो दोस्तों देखो दोनों बोर्ड के रिजल्ट बहुत बेटर है पिछली बार से। एक ही सभी का आंसर है मेरे को, सभी को, कि सभी जो भी बच्चों ने मेहनत करी थी और जिनको भी डर है सारों के डर क्लियर हो जाएंगे और सभी का बेटर रिजल्ट आएगा। भगवान से एक ही दुआ रहेगी मेरी हमेशा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर और जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी है, जो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं भी करते, सभी का रिजल्ट बेटर है और सभी ने मेहनत करी, उनको सभी को उतना फल दे। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर आपके मन में है कि मेरा रिजल्ट कब आएगा या फिर आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा रिजल्ट आ गया है, तो दोस्तों आपको सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल करना है। देख लो दोस्तों, आपको ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें आपको सीबीएसई रिजल्ट नाम का ये ऐप है, मैंने आप सभी के लिए बनाया, जिससे आप जैसे रिजल्ट आया आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप नेट अपना ऑन रखना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको रिजल्ट आ गया क्लास 12th और क्लास 10th वालों का। नोटिफिकेशन आता है, डायरेक्ट जाकर क्लास 10th का रिजल्ट चेक कर सकते हो इसके अंदर। क्लास 10th वालों को 2 मिनट में रिजल्ट आपको डिक्लेयर होता है। देख लो दोस्तों, इसमें जैसे कि ज्वाइंट जेसी का भी रिजल्ट इसमें आता है और इसमें देख सीबीएसई डायरेक्ट साइट है इसके अंदर, देख cbserizult.nic.in। दोस्तों जैसे रिजल्ट आएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके ऊपर कि रिजल्ट आ चुका है आपका। तो दोस्तों जैसे रिजल्ट अनाउंस होगा, जैसे 30 अप्रैल को अनाउंस होने की डेट भी इसमें फिक्स होगी, तो आपको इस ऐप के अंदर आ जाएगा। इसलिए दोस्तों आप कोई ऐप अगर पसंद, आपको प्ले स्टोर में ऐप नहीं मिलेगा, इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन जाके इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और दोस्तों कई सारे कमेंट लोगों ने करे थे, उन थोड़े कमेंट्स जो मेरे को अच्छे लगे थे, इसलिए मैं उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सर आपको कैसे पता लगता है कि ओवरऑल 96% पास है, हरीश बेनीवाल ने ये कमेंट किया है। देखो हरीश बेनीवाल जी, मेरे को देखो न्यूज़ जहाँ से मिलती है मैं वही न्यूज़ आपको बताता हूँ। मेरे को एक्सपेक्टेड, देखो 96% गारंटी नहीं, ये एक्सपेक्टेड है। आप सीबीएसई कोई भी कॉपी साइट पर चले जाओ या jagranjosh.com और कई सारे सीबीएसई कैसे आपको मिल जाएंगे साइट्स, और आज तक न्यूज़ चैनल और एबीबी न्यूज़ चैनल और कई सारे न्यूज़ चैनल पर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाएगा जिसमें आप में लिखा होगा 96 या 97.5% पास है। तो दोस्तों ये जो मेरे को न्यूज़ मिलती रियल मिलती है, और जो रियल मिलती है मैं वही आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव, मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में बता दिया कि मेरा मोटिव ये नहीं है कि पैसे अर्न करना, मेरा पैसे अर्न करने का भी मोटिव है लेकिन आपकी हेल्प करनी पहला मेरा मोटिव है और मैं रियल न्यूज़ दूंगा जिससे मेरे चैनल ग्रो भी हुए। दूसरा कमेंट है,
मैंने सभी पेपर फुल अटेम्प्ट किए, क्या मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे? अनीस राज। दोस्तों देख सर, देखो आपने पेपर कैसा अटेम्प्ट किया है, अगर आपने पूरा पेपर सही अटेम्प्ट किया तो आपकी गारंटी से सारे अच्छे नंबर मिलेगा। अगर आप अपनी मर्जी से या फिर रिलेटेड रिलेटेड लिख रहे हो तो मैं आपको इतनी बात की गारंटी दे सकता हूँ कि 80 का पेपर है तो आपके 30-35 आ जाएगा आराम से, इस बात की मेरी गारंटी है। कंप्यूटर के मार्क्स रिप्लेस होंगे अगर कोई फेल होगा, अमन भारद्वाज। अगर दोस्त सर आप 10th क्लास में, तो आपके जरूर कंप्यूटर के मार्क्स फेल हो गए तो रिप्लेस हो जाएगी, और क्लास 12th के मार्क्स रिप्लेस हो गए नहीं होगी, ये अब तक CBSE ने पूरी न्यूज़ दी नहीं है। मैं पूछ के आप सभी के लिए अलग सी वीडियो बना दूंगा। चौथे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पास होना जरूरी है। रोस्टिंग सेंट, देखो भाई प्रैक्टिकल और थ्योरी के अंदर पास होना जरूरी 10th क्लास में नहीं है, 12th में दोनों पास होना जरूरी है। और प्रैक्टिकल अंदर हर एक स्कूल में सभी को पास कर ही देते, बहुत कम कोई बच्चा फेल होता ही नहीं प्रैक्टिकल के अंदर 12th क्लास में। ओके मैंने कुछ मेन कमेंट्स से जिनके मैंने रिप्लाई दिया, दोस्तों आप भी रिकमेंड करो, मैं आप सभी की रिप्लाई जरूर दूंगा, जो मेरे कमेंट बहुत अच्छे लगेगा और जिन पे मैक्सिमम लाइक आएगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, और आप सभी को बता देता हूँ रिजल्ट 12th वालों, अब आपकी कुछ ही दिन बचे हैं, अब आपका चालू हो गया टाइम, सिर्फ 2-3 दिन में आपका रिजल्ट आने वाला, क्योंकि मैक्सिमम सारे 12th क्लास के रिजल्ट, सारे बोर्ड के 12th क्लास के रिजल्ट आ चुके हैं। तो अब आप आपकी हार्ट बीट तेज होगी होगी, लेकिन बेस्ट वर्क आप सभी को अपने रिजल्ट के लिए, और गारंटी देता हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। मेरे चैनल पर जितने सब्सक्राइबर, क्योंकि मुझे पता है मेरे सारे सब्सक्राइबरों ने पढ़ाई की है, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक, कीप सपोर्टिंग अवर चैनल GP एडवाइस।